पुराना कोई भी वृक्ष हो, बरगद होगा, पीपल होगा, पाकड़ होगा, आम, जामुन, कोई अन्य छायादार वृक्ष होगा, उसको काटिए मत, काटने मत कीजिए, उसको विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के चबूतरा बनाइए, अच्छे ढंग से लोग वहां बैठे, गोष्ठी करें और विरासत वृक्ष के रूप में उसे सम्मान दीजिए। ये पेड़, ये वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है भाइयों बहनों, ये विरासत भी है, ये ऑक्सीजन भी देता है और जल संरक्षण का काम भी करता है, ये दोनों कार्य करता है। दुनिया तबाह है ग्लोबल वार्मिंग से, आप देख रहे होंगे कहीं पे सूखा है, कहीं बाढ़ आई हुई है, यही तो है प्रकृति का संतुलन। जब संतुलन बिगड़ेगा यही स्थिति पैदा होगी। हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, विरासत वृक्षों का संरक्षण करें, और जितने भी लोग हैं, जितनी बड़ी सभा यहां पर है, इतनी ही मैं वहां पे बिजनौर में भी संबोधित करके आया, और मैंने वहां पे भी देखा हर व्यक्ति संकल्प लेके गया था आज एक पेड़ जरूर लगाएंगे, एक वृक्ष जरूर लगाएंगे, और लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा भी करेंगे। पीएम आवास योजना के साथ साथ आंगनबाड़ी जितनी भी कार्यकर्त्री है उनके द्वारा सहजन के पेड़ लगाए जा रहे हैं, हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा इमारती लकड़ियों के पेड़ लगाए जा रहे हैं, हर छात्र और युवाओं के द्वारा फल देने वाला पेड़ लगाया जा रहा है। हमारे यहां तो मान्यता है कि मां का दूध किसी को तभी फलीभूत होता है जब वो एक फलदार पेड़ लगाता है, याद रखना, फलदार वृक्ष लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए मां के ऋण से उऋण होने जैसा होता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए हमें इन वृक्षों को लगाना, महिलाएं औषधीय वृक्षों को लगाएं, फलदार वृक्षों को लगाएं, सरकार भी दे रही है, अपने स्तर पर भी प्रयास करिए। आप देखना जब प्रकृति की सुंदरता रहेगी, प्रकृति हरी भरी रहेगी, जल संसाधनों की कमी नहीं होगी और स्वतः ही खुशहाली आएगी, समृद्धि से खुशहाली की ओर का मार्ग प्रशस्त करता है ये वृक्षारोपण का अभियान, और आज हम सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं।